एक नाटक और है अंग्रेजी भूत, श्रद्धा दिव्या उत्कर्ष कुमकुम हाथ के साथ। खटखट अजय सुनती हो, चुंदू की अम्मा दरवाजा खोलो। आप आ गए। हाँ आ गए, जरा हमारे लिए पानी आ दिला। ये लीजिए। आपसे एक बात कर नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। हम लोग तो कोई पढ़े लिखे है नहीं, ना पैसा है, कच्चा घर पड़ा है, किसानी खेती वो सब करे। मैं सोच रही थी कि चुन्नू को पाठशाला में दाखिला करवा दूँ। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम करा दें, पर हमारे पास पैसे ऐसे तो है नहीं। गांव में देखे हैं कोई छोटा स्कूल पाठशाला होगा तो करा देंगे उसका दाखिला। चुन्नू, ए चुन्नू, पढ़ाई करोगे? नहीं, खेलेंगे। नहीं नहीं, तुमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कल चले जाएंगे दाखिला करवाने। कल क्यों, हम आज ही जाएंगे ना। चलो चुन्नू, चलो। नहीं जाएंगे।
जमाने में तो बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन आजकल अनपढ़ बीबी आ जाए तो क्या परिस्थितियां होती हैं? आजी सुनती हो सरा? हाँ सुन रही हैं, पहली नहीं हैं जो इतनी टेढ़ी टेढ़ी चिल्ला रहे हैं। मैं टेढ़ी से नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं और घर का ख्याल रखना कि ठीक है घसीटे। अरे सुनो सुनो, मेरे लिए दही दही के लिए हैं और ऐसे तुमसे कितनी बात कर, मैं ना घसीटे नहीं लाके तुझे लाके बोलो तो क्या होगा? तुमसे प्यार करी थी कि मैंने तुमसे प्यार से घसीटे करी और ऐसा बहू कहाँ बैठा कर रही हो? तो हाँ कुछ हो रही, तुम्हारे लड़कों को ये ना कि घर का ठाकी ना वही देख रही हैं। बहू राकेश का मतलब था घर देखना, ऐसे नहीं देखना, ताकि ठाकी नहीं बना, कोई आए तो उसको देखना है। अच्छा हे भगवान, इतने बड़े घर की लड़की होने के बाद एक भी अकल नहीं है। हमारा राकेश सही कहता था कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करेंगे, लेकिन हम पैसा देके कर दिया, हमारे कर्म टूटे।
नकार दी। ओ रंजीत तुम कितनी पागल हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उससे मैंने दिल्ली से आया था और वो तुमसे मिलने के लिए नहीं बोल रहा था, वो तुमसे हेलो बोल रहा था, हाल चाल पूछा था तुम्हारा। और वैसे भी जब कोई घर पे आता है तो उसको चाय नाश्ता पानी कराया जाता है, अंदर बैठाया जाता है, बाहर से नहीं भगा दिया जाता है। ठीक है घसीटे, अब तुमको कौनो शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा ठीक है, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, और धोबी ना है तो उसको मेरे कपड़े दे देना। ठीक है घसीटे। अच्छा रो मत,
हेलो हेलो, आप अपनी बेटी को ले जाइए, आप हम इसके साथ नहीं रह सकते। अरे तुम्हारी जिंदा है क्या? बस आप आइए और इसको ले जाइए। हाँ वही थे। लाला ने बाबूजी आ गए, पर अभी कौन आया है? आई बाबूजी आई आई। अरे तुम्हारी जिंदा है क्या? आप इसे ले जाइए, इसके साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। अरे तुम्हारी जिंदा थी, मम्मी के कहाँ थे? अगर आपसे शिक्षित किए होते तो आज ये नौबत ही ना आती। अरे हमें अरे पिटिया हम पता हुआ कि आपका पढ़ा भी कोई नहीं था। हम सब तो से छोटे कहा जाना कि हमको पढ़ा दे तो मैं नहीं पढ़ा। हाँ पिटिया जान दे, हमसे गलती हुई क्या? आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप बेटियों को कमजोर ना समझें, वो भी हमारे भाइयों की तरह एक मजबूत हैं, उनको भी पढ़ाइए। आप ये भेदभाव करते हैं कि आप लड़कों को आगे बढ़ा देते हैं और लड़कियों को नीचे दबा देते हैं, जिसके कारण उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती, जैसे आज यहाँ पे इस नाटक में हुई। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें, इस तरह अशिक्षित ना छोड़ें। धन्यवाद। माता की जय। मैं निवेदन करता हूँ, बीच में रह गए थे, जैसे भी मुझे वरदान दो। बोले परम पूज्य परमहंस योगिराज शक्ति पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बात की, बोलिए भारत माता की, सिद्धाश्रम धाम की। परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पूजनीय माता जी, हमारी तेज शक्ति स्वरूपा तीनों बहनों के चरणों में प्रणाम, और आप सभी से सादर जय माता की, जय गुरु की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी कविता आज के दिन के लिए है। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम में आऊं। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम में आऊं। जरूरत जब भी आ जाए, जरूरत जब भी आ जाए, मैं अपनी जान लुटा जाऊं। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम में आऊं। मैं भारत माँ कहूँ बेटा, यही पहचान है मेरी, गोद में उनकी मैं खेला, इसी में शान है मेरी। सदा ममता यूं ही माँ भारती, मैं आपकी पाऊं। जरूरत जब भी आ जाए, मैं अपनी जान लुटा जाऊं। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम में आऊं। नमन माँ भारती तुमको मैं कोटि कोटि करता हूँ। बनूंगा सच्चा प्रहरी मैं, यही संकल्प करता हूँ। किया निश्चय राष्ट्र हित का, मैं पूरा कर दिखा जाऊं। जरूरत जब भी आ जाए, मैं अपनी जान लुटा जाऊं। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम में आऊं। चलो सब एक मत होकर, मेरी बहनों मेरे भाई, जिंदगी वो भी कैसी है, वतन के जो काम ना आई। दो क्षमता ऐसी जग जननी, थ
फर्ज अपना निभा जाऊं, जरूरत जब भी आ जाए मैं अपनी जान लुटा जाऊं। मुझे वरदान दो ऐ माँ, वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, क्रम के बच्चों के क्रम यहाँ समाप्त हो गए हैं। अनूप द्विवेदी से वो आए अपने संक्षिप्त से विचार इस गणतंत्र के 17वें दिवस पर देने का प्रयास। बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे महात की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरण नमन करता हूं और पूजनीय माता जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप यहां पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय माता की, जय गुरु। पंद्रह अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ऐसे तमाम जो समारोह भारत देश में मनाए जाते हैं उनके पीछे विचार करने की आवश्यकता होती है। आजादी के पूर्व हमारा देश कैसा था, उनकी याद में हम मनाते हैं। आज जैसे संविधान आज लागू हुआ था, हमारा सौभाग्य है सिद्धाश्रम की धरती पर, जहां पर संविधान का उत्कृष्ट स्वरूप हमें दिखाई देता है। जो हम अपने आचरण में वैसा संविधान जीते हैं उसका पालन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सान्निध्य में। जो संविधान में लिखा हुआ है उसे सही तरह से हम अपने देश में लागू कर सके, इसी के लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से छोटा सा प्रयास गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद निर्देशन के माध्यम से शुरू हुआ है। और यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बच्चों के जो आपने प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम देखे, बहुत बढ़िया संदेश था इनमें। संविधान मतलब समान विधान, सभी के लिए समान। और यह कोई अलग से अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजों के बाद अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई बात नहीं है। हमारे भारत देश में आत्मवत सर्वभूतेषु, यह हमारे वेदों ने कहा है कि सभी आत्मा एक समान है, सभी को एक मानो, साधन संसाधन देश के सभी को एक समान रूप से मिलने चाहिए। तो इस वेद वाक्य को अपना सर्वोत्कृष्ट संविधान मानते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के की विचारधारा का पालन करते हुए यदि हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने कर्तव्यों का एक एक व्यक्ति यदि हम पालन करने लग जाते हैं, तो यह 26 जनवरी 15 अगस्त इत्यादि समारोह मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता की, जय। कविता है कुमकुम के बच्चे हिंदुस्तान के। परम शिव शक्ति पुज महाराज की जय। माता शक्ति जय जिंदम्बे मात की जय। आजादी की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। हवा हमारी, धूप हमारी, नील हमारा पावन है, तन मन खिलते सौ बसंत से, मन हरियाली सावन है। भारत माँ के बेटे बेटी, भारत माँ के बेटे बेटी, जीते हैं हम शान से, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। भारत माता की जय। मानवता के लिए अपने आप को मिटा कर देखो, फिर तुम्हें कोई मिटा ना पाएगा। शून्य में पड़े लोगों को उठा कर देखो, फिर तुम्हें कोई गिरा ना पाएगा। गुरुवर जी आए हैं शिखर से शून्य में हम सबको उठाने, उनकी शिक्षा को अपना कर देखो, फिर गुरुवर के दिल से तुम्हें कोई हटा ना पाएगा। अरे बदल गया क्या, बदल गया
वो लहू तुम्हारा बदल गया, बलिदानी वीर सपूतों का क्या लहू तुम्हारा बदल गया। कामी क्रोधी लंपट का साम्राज्य न हम पर भारी था, जब जब परिवर्तन का बिगुल बजा हर युग हम पर आभारी था। वो पौरुष का वो बाकापन, वो पौरुष का वो बाकापन क्या फिसल गया, क्या फिसल गया। बलिदानी वीर सपूतों का क्या लहू तुम्हारा बदल गया। और अंत में दो लाइन, तो आंखों में उनके सपने थे जो फांसी में झूल गए, बूढ़ी माँ विधवा पत्नी के संघर्षों को भूल गए। तो मातृभारती की बेड़ी को, वो मातृभारती की बेड़ी को काट हमें आजाद किया, काट हमें आजाद किया। और बदल गया, क्या बदल गया, वो लहू तुम्हारा बदल गया। बलिदानी वीर सपूतों का क्या लहू तुम्हारा बदल गया। जय माता की, जय भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। एक बार मैं पूरा आप सभी लोगों को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सिद्धाश्रम के सभी बच्चों ने अपनी अच्छी प्रस्तुति दी, मैं उन सभी बच्चों को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कुलत माते की स्वतंत्र रहें और